हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू आर चैनल आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा अगर आपको यह जानना है कि जीटीएल इंफ्रा इतना ज्यादा अटेंशन क्यों ग्रैब कर रहा है या ये कंपनी एक्चुअली क्या करती है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए और हां अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें चलिए शुरू करते हैं शेयर प्राइस तीन रुपए. सबसे पहले चलिए समझते हैं कि जीटीएल इंफ्रा है क्या जीटीएल इंफ्रा यानी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एल एक लीडिंग कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में काम करती है यह कंपनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है यानी टेलीकॉम टावर्स बनाना और मेंटेन करना इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करना और टेलीकॉम कंपनीज के लिए आरयूपीए ऑपरेशंस और मैनेजमेंट हैंडल करना 1995 में एस्टैब्लिश हुई जीटीएल इंफ्रा आज इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक मेजर प्लेयर बन चुकी है इसके पास 26,000 से ज्यादा टेलीकॉम टावर्स है और अक्रॉस द कंट्री एक वास्ट नेटवर्क है यह कंपनी टेलीकम्यूनिकेशन सेक्टर को सपोर्ट करने में एक क्रूशल रोल प्ले करती है अब बात करते हैं जीटीएल इन्फ्रा के की प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज के बारे में इनका स्टैंड आउट अचीवमेंट है उनका एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ टेलीकॉम टावर्स ये टावर्स मोबाइल नेटवर्क कवरेज के लिए एसेंशियल है और जीटीएल इन्फ्रा ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने में मेजर रोल प्ले किया है टेलीकॉम टावर्स के अलावा जीटीएल इन्फ्रा ब्रॉडबैंड नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट में भी इन्वॉल्व है इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स का लेइंग और नेटवर्क इक्विपमेंट का सेटअप शामिल है जो हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए क्रूशल है इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेंटेनेंस और ऑपरेशंस भी इंक्लूड है जो इंश्योर करते हैं कि टेलीकॉम नेटवर्क्स रिलायबल और एफिशिएंट रहे चलिए अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्केट इंपैक्ट की बात करते हैं जीटीएल इंफ्रा का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स प्रॉफिट मार्जिन और मार्केट पोजिशन से असेस किया जा सकता है जीटीएल इंफ्रा ने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन का सामना किया है ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ अप टू डेट रहना और रेगुलेटरी चेंजेस नेविगेट करना कुछ चैलेंजेस है लेकिन डिस्पाइट दीज चैलेंजेस जीटीएल इंफ्रा ने मार्केट में एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस मेंटेन किया है कोई भी जर्नी बिना चैलेंजेस के कंप्लीट नहीं होती जीटीएल इंफ्रा को फाइनेंशियल इश्यूज और इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स को अडॉप्ट करना और रेगुलेटरी लैंडस्केप्स को नेविगेट करना इनके की चैलेंजेस है फ्यूचर की बात करें तो जीटीएल इन्फ्रा की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उनकी इनोवेशन और एडेप्टेशन पर डिपेंड करती है टेलीकॉम सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स की ग्रोइंग डिमांड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है कंपनी का फोकस नेटवर्क एक्सपैंशन और सर्विस ऑफरिंग्स को एनहैंस करना इनके फ्यूचर सक्सेस के लिए क्रूशल होगा तो यह था एक ओवरव्यू जीटीएल इन्फ्रा के बारे में उनकी रोल इन टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उनके चैलेंजेस अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज थम्स अप जरूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके अपनी थॉट्स जीटीएल इंफ्रा के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में